नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट। मैं हूं रंजना, मौजूद हूं सदर अस्पताल में, सदर अस्पताल के उस वार्ड के बाहर जहां पर हर दिन 20 से 30 यहां पर प्रसूति महिलाओं का प्रसव कराया जाता है। अंदर में लेबर रूम है और प्रतिदिन 20 से 30 प्रसूति महिलाओं का प्रसव आइदर वो ऑपरेशन या फिर नॉर्मल डिलीवरी कराई जाती है। लेकिन पिछले अगर हम 48 घंटे की बात करें तो पूरी राजधानी में ब्लैकआउट था और भारी बरसात के कारण कई महिलाओं को प्रसूति के दौरान ही कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हालांकि बता दें कि राजधानी रांची के ही कांके के रहने वाली जो महिला थी वो आई थी इस अस्पताल में प्रसव कराने। प्रसव उनका वो ऊपर तक पहुंची नहीं पहुंची, क्योंकि जब हमने यहाँ के हेड जो नर्स हैं जिसका ड्यूटी था उस समय उनसे हमने जानकारी ली तो उनका कहना था कि वो महिला ऊपर आई थी लेकिन उनके साथ कॉम्प्लिकेशन भी था, उनके जो हीमोग्लोबिन है उनका भी मात्रा कम था, इसके कारण उन्हें कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए उन्हें कहीं और बोला गया था। लेकिन इसके बाद ही वो जब चली गई तो ये मामला जो अलग रूप धर लिया। हालांकि बता दें कि पिछले 48 घंटे में ये राजधानी रांची का सबसे बड़ा खबर ये बन के रहा कि किसी भी कोई भी माता अपने बच्चे को जन्म देने के लिए इस अस्पताल में आती है, उनका भरोसा होता है इस अस्पताल पर, लेकिन वो उस माता को इसमें एडमिशन नहीं मिला, एडमिट नहीं हो पाई। इस कारण से वो पहले तो वो कांके सीएचसी से ये सदर अस्पताल पर भरोसा जताते हुए आई थी, लेकिन यहाँ से फिर जब उन्हें यहाँ पर एडमिट नहीं किया गया तो वो ऑटो में अपने परिवार के साथ जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही डिलीवरी होने के कारण बच्चे की ऑटो में गिर जाने से सर में चोट लगने से बच्चे की मौत हो गई। हालांकि बता दें कि जब हमने जानने की कोशिश की कि क्या इस अस्पताल में उन्हें एडमिशन नहीं मिली थी तो मैम ने मुझे सारी बातों से अवगत कराया। जब हमने राजधानी रांची के ही सदर अस्पताल के सिविल सर्जन से जानने की कोशिश की कि प्रसूता के साथ इस तरह का अमानवीय व्यवहार कांके सीएचसी और सदर अस्पताल में हुआ तो उन्होंने कैमरे पर बाइट देने से तो मना कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि इसके लिए जांच कमेटी बैठा दी गई है जो कि आज ही कमेटी बैठाने का निर्देश दिया गया, अगले 7 दिनों में रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। बहरहाल जब तक यह रिपोर्ट नहीं आ जाता है तब तक कुछ भी कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि सिविल सर्जन भी बाइट देने से परहेज कर रहे थे, लेकिन जांच इनकी होगी और जांच में क्या कुछ होगा उसके बाद ही इसमें निर्णय लिया जाएगा। लेकिन राजधानी रांची के सदर अस्पताल से हर आए दिन अगर गाहे महीने के बीच में बात किया जाए तो ऐसी दुर्घटनाएँ आमतौर पर होते रहती हैं, लेकिन कब यह अस्पताल सुधरेगा इसके लिए भी इंतजार करना होगा। तमाम इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रहिएगा द न्यूज़ पोस्ट के साथ।